हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। संडे QnA, वो भी दिन के टाइम में, वो भी संडे के ही दिन। देख के आप लोग सरप्राइज हो गए होंगे, सरप्राइज मत होना, मुझे दूसरा भी वीडियो डालना रहता है रात में, तो मैंने जो है इसको थोड़ा सुबह के टाइम पे शेड्यूल कर दिया है। दिन के टाइम में आपको देख के ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट में लिख के जरूर बताना कि आपको संडे QnA डे टाइम में चाहिए या नाइट टाइम में चाहिए। उस हिसाब से हम लोग फ्यूचर के जो संडे QnA वीडियोज़ है हमारे, वो प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों मनोज वर्मा ने। मनोज वर्मा पूछते हैं कि फ्लिपकार्ट में जो एक्सचेंज ऑफर होता है कि पुराना आईफोन दो नया ले लो, तो उसके अंदर जब हमारे पास पुराना आईफोन लेने के लिए नया आईफोन लेकर बंदा आएगा सामने, तो क्या हम उसको रुकने के लिए बोल सकते हैं, या किस तरीके से हम हमारा जो डेटा ट्रांसफर है एक आईफोन से दूसरे आईफोन पे, यानी पुराने आईफोन से नए आईफोन पे कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। वो तो रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे पॉसिबल ऐसे है कि पुराने आईफोन को सबसे पहले तो iOS 15 पे आप अपडेट करके रखो। iOS 15 पे अपडेट हो गया आईफोन, तो उसमें सेटिंग में जाओ, जनरल में जाओ, और नीचे आपको ट्रांसफर और रीसेट आईफोन का ऑप्शन देखने मिलेगा, जहाँ पे जाके आप जो है iCloud बैकअप बना सकते हैं, अनलिमिटेड स्टोरेज का भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आप जो है 30 दिन तक रख सकते हैं, 21 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 21 से 30 दिन तक एक्स्ट्रा भी टाइम मांग सकते हो एप्पल से, और जब नया फ़ोन आएगा तो उसका जो बैकअप अपने iCloud में बनाया, सेम iCloud आईडी से, एप्पल आईडी से आप साइन इन करेंगे नए आईफोन पे, तो वो आप वहाँ पे जो है रिस्टोर कर सकते हो और पूरा डेटा आपका वैसा का वैसा आ जाएगा। लेकिन आपके पास अगर ऐसा आईफोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है जिसके अंदर आप iOS 15 इंस्टॉल नहीं कर सकते, एंड्रॉयड पे तो नहीं कर सकते, लेकिन आईफोन भी ऐसा है पुराना वाला iPhone 6 वगैरह, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना पीसी या मैक, उसमें आप iTunes या फिर फाइंडर की मदद से बैकअप बना लीजिए, और जब नया आईफोन आएगा तो उसको कनेक्ट करके ट्रांसफर कर लीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिद्ध पाठक का, ये बोलते हैं मैं रिसेंटली एक ऑफलाइन स्टोर में गया था जहाँ पे एंड्रॉयड फोन के अंदर, वीवो के अंदर, मैं देखा कि एक्सटेंडेबल रैम का ऑप्शन है, तो ये कैसे हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के जरिए से रैम बढ़ाया जा सकता है, ये क्या टेक्नोलॉजी है, या फिर पागल बना रहे हैं दुकान वाले और कंपनी वाले। नहीं, ये टेक्नोलॉजी सच में है। जो आपका इंटरनल स्टोरेज होता है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वर्चुअल रैम के तौर पे एलोकेट किया जाता है। आप चाहे तो 8 GB का रैम वाला जो वीवो का फोन है उसको 11 GB का रैम बना सकते हैं, ताकि थोड़ी बेटर मल्टीटास्किंग हो सके, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो वीवो के फोन्स है या एंड्रॉइड के कुछ ऐसे फोन है जिसपे हैवी स्क्रीन होती है, वहाँ पर रैम मैनेजमेंट काफ़ी बुरा हो जाता है। तो इस केस में आप जो है जो इंटरनल मेमोरी है उसमें से कुछ हिस्सा जो है एलोकेट कर सकते हैं रैम के लिए। और आगे पूछते हैं या बोलते हैं कि आपने सही कहा था कि लेटेस्ट आईफोन नहीं ले सकते हो, तो छूना भी मत वरना आपको जो है अपना पुराना आईफोन बुरा लगने लगेगा। तो ऐसे ही हुआ, एक स्टोर में गए तो 13 प्रो मैक्स इन्होंने इस्तेमाल करके देखा, अब इनको इनका आईफोन जो है पुराना लगने लगा। इसलिए मैं अपने दोस्तों को वैसे ही बोलता हूँ, कोई भी आता है विजिट करने, अरे भाई फ़ोन दिखा तेरा, 13 प्रो मैक्स दिखा या 13 प्रो दिखा, अरे भाई हाथ मत लगाना, क्योंकि तुम्हारा आईफोन जो है तुमको बुरा लगेगा, उसके बाद जाकर नया आईफोन लेने का कीड़ा जो है आपके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। वैसे बाकी अपनी अपनी मर्जी होती है, अगर अपने दिल पे जो है पत्थर रख सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो तो फिर आप तो कोई भी आईफोन इस्तेमाल करके देखेंगे, लेकिन सही फाइनेंशियल डिसीजन जो है अपने दिमाग से आप लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निशांत खंडागले का, ये बोलते हैं कि हमें लैपटॉप्स और मैकबुक लेते वक्त किन स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखना चाहिए, और परफॉर्मेंस, GPU, CPU परफॉर्मेंस, प्रोसेसर, यूनिफाइड स्टोरेज, SSD वगैरह क्या होता है, किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग फोन लेने के टाइम पे देखते हैं कि स्नैपड्रैगन है या A15 बायोनिक है और ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 6 GB का रैम है, क्या है, थोड़ा स्पेसिफिक वीडियो बना के बताइए। देखिए स्पेसिफिक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में ही बताने की कोशिश करता हूँ। देखो मैकबुक अगर आप ले रहे हो और आज के ज़माने में नया मैकबुक लेने जा रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है M1 का, मैकबुक M1, तो उसमें आपको एयर का ऑप्शन है, प्रो का ऑप्शन है, उसके बाद और जो बड़े सीरीज आई है, अभी लेटेस्ट सीरीज आई है, उसका ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो 8 GB का रैम है ये सबके लिए जो है इनफ होता है, जिनको वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, बेसिक सॉफ्टवेयर चलाना है, बेसिक वीडियो एडिटिंग करनी है। लेकिन अगर आपका काम है ऐसी वीडियो एडिटिंग का जहाँ पे आप 4K वीडियो को जो है एडिट करते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कम से कम जो है 16 GB के रैम के लिए जाना, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी M1 प्रोसेसर जो है वो 4K वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग के लिए भी मोर देन इनफ है। आपको जो नए वाले प्रोसेसर आए उनके लिए जाने की भी जरूरत नहीं और डबल पैसा देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन दे सकते हो, उतना पैसा कमाते हो तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन रही बात अगर विंडो PC या लैपटॉप लेने जा रहे हो, तो उसमें आप ध्यान रख लेना कि जो i3 i5 i7 जो भी प्रोसेसर आपको लेना है आपकी नीड के मुताबिक, वो हो लेटेस्ट जनरेशन का, एक जनरेशन पुराना हो या फिर लेटेस्ट जनरेशन वाला हो। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं i5 प्रोसेसर है इसके अंदर, लेकिन देखते नहीं कि 5th जनरेशन का, 6th जनरेशन का है, आज जो लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है उसमें का होना चाहिए। और वहां पे रैम भी जो है आपको मेरे हिसाब से जो है अपने नीड के हिसाब से देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम के हिसाब से विंडोज़ के अंदर भी 8 GB का रैम होना चाहिए, जिससे वो थोड़ा ठीक ठाक चले, और कोशिश करना कि उसके अंदर SSD ज़रूर हो। SSD होने से क्या है, आपका लैपटॉप जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी मेमोरी रीड एंड राइट स्पीड बढ़ जाती है। और रही बात दोस्तों ग्राफिक्स की, तो यहाँ पे आप कोशिश करना कि अगर आपको गेमिंग वगैरह करना है तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिले,
आपके विंडोज लैपटॉप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुलाम जैफ का, ये बोलते हैं कि अमेज़फिट का GTR 3 प्रो जिसका मैंने रिव्यू किया था थोड़े दिन पहले, काफी अच्छी घड़ी है, तो ये बोलते वो लेना चाहिए एप्पल वॉच सीरीज 3, मेरे पास एक आईफोन 10R है। देखो अगर आपके पास आईफोन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एप्पल वॉच ही लो, क्योंकि बेस्ट जो आपको एक्सपीरियंस आ सकता है एक आईफोन के साथ वो एप्पल वॉच पे ही है। और दूसरी बात है अमेज़फिट का जो GTR 3 प्रो है उसमें एप्पल वॉच सीरीज 3 के मुकाबले कुछ चीजें कम है कुछ चीजें ज्यादा है। जो चीजें कम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो है कॉलिंग फैसिलिटी, तो आप वॉच से कॉल करना और कॉल रिसीव करना जो है अमेज़फिट की GTR 3 प्रो से नहीं कर पाएंगे, उसको जो है आप एप्पल वॉच से अच्छे तरीके से कर सकते। तो आईफोन है तो एप्पल वॉच विल बी अ बेटर चॉइस मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अमान अंसारी का, ये बोलते हैं कि एप्पल जो है आईफोन 10R नहीं सेल कर रहा लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे शॉप्स ऑफलाइन शॉप्स जो है सेल कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि एप्पल ने तो प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया। एप्पल ने प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया लेकिन एप्पल ने जो प्रोड्यूस कर चुका है जो प्रोडक्शन जिसका निकाल चुका है वो लाखों यूनिट जो है वो जला तो नहीं देगा एप्पल, या जिन दुकान वालों को दिया है जिन ऑनलाइन स्टोर्स को दिया है उनसे वापस लेके जो डिस्ट्रॉय तो नहीं कर देगा। वो प्रोडक्ट बन चुका है, उस पर एप्पल की वारंटी भी है, वो नॉन एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स है, तो जब एक्टिवेट होगा जब से उसकी वारंटी शुरू होगी तो ये चीज़ें जो है बिकेगी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। तो प्रोडक्शन स्टॉप होना अलग चीज़ है, सेल स्टॉप होना अलग चीज़ है। तो सेल क्या एप्पल ने स्टॉप किया उसका नहीं किया, तो प्रोडक्शन स्टॉप होना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ईशान का, ये बोलते हैं कि आपका क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या बोलना है, कि आप इन्वेस्ट करते हो या नहीं। बिल्कुल मैं क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करता हूँ, स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन स्टॉक्स के मुकाबले क्रिप्टो करेंसी का जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम है। स्टॉक्स में मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा है, क्रिप्टो में कम, क्योंकि जो है ये काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी के लिए मैंने जो है स्टॉक्स में इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो मुझे वहाँ से थोड़ा स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। और जो वॉलेटाइल टाइप का मार्केट का नेचर है क्रिप्टो मार्केट का, उसमें भी मैंने थोड़ा पैसा लगा के रखा है। तो आपको भी करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपकी अपनी रिस्क होगा, मैं कोई भी इसके ऊपर जो है एडवाइस वगैरह नहीं देना चाहता। लेकिन स्टॉक मार्केट जो है मेरे हिसाब से इन दोनों में से आपकी नंबर वन चॉइस होनी चाहिए, और फिर आपका सेकेंडरी जो है वो क्रिप्टो होना चाहिए। ये मेरे थॉट्स है, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग सोचता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पेविन जॉय का, ये बोलते हैं कि TWS जो ईयरबड्स होते हैं अलग अलग, उनको आईफोन के साथ आप टेस्ट करके बताइए, उनके वीडियोस बताइए। मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं देखे कि आईफोन के साथ किस तरीके से कंपैटिबल है। मैंने जितने भी TWS है नॉइस के, और सस्ते से सस्ता यानी कि 1000 रुपये वाले, 2000, 3000, 10000 वाले स्कल कैंडी के भी, ये सभी जो है आईफोन्स के ऊपर टेस्ट करके बताए। जितने भी मेरे वीडियोज़ होते हैं TWS के, ब्लूटूथ ईयरबड्स के, हेडफोन्स के, वो सब मैं आईफोन पे ही टेस्ट करता हूँ, एंड्रॉयड पे नहीं। तो वहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स जो है ब्लूटूथ कंपैटिबल, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ब्लूटूथ होता है, जिस ब्लूटूथ के जरिए से जो चलते हैं, वो सभी प्रोडक्ट जो है आईफोन्स के साथ कंपैटिबल होते हैं। और एयरपॉड्स भी उस तरीके से एंड्रॉयड फोन के साथ कंपैटिबल होते हैं। बस एक ही चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है एप्पल वॉच, जो कि आईफोन के सिवा किसी और चीज़ के साथ नहीं काम करती। तो एप्पल वॉच के लिए ही सिर्फ फिक्रमंद रहना कि एंड्रॉयड फोन यूज़र हो तो एप्पल वॉच मत लेना, अदरवाइज आप कोई भी TWS ईयरबड है वो आप आईफोन के साथ भी ले सकते हैं और एंड्रॉयड के साथ भी उसको चला सकते हैं। ये बोलते हैं कि मुझे ऑडियो बुक सुनना रहता है और कौन सा मुझे लेना चाहिए, ग्रेट बैटरी लाइफ हर चीज़। मेरे हिसाब से अगर आईफोन यूज़र हो और आपको जो है बेसिक जो म्यूज़िक सुनना है या कॉल करना है या बेसिक काम के लिए आपको ईयरबड चाहिए, तो एयरपॉड्स 2 से अच्छा कोई ईयरबड नहीं है, ले लो, बहुत ही कंफर्टेबल है। और 8 से 8500 रुपये में, 8900 रुपये में जो है फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, 8 to 9000 के अंदर ये किलर डील है, उठा लो, आप इससे सेटिस्फाइड रहेंगे ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रज्वल जोशी का, इनके जो एक क्वेश्चन में 3 सवाल है, तीनों का आंसर हम देंगे। यहाँ पे बोलते हैं कि एप्पल वॉच इनको लेना है सीरीज 6, 44mm वेंडर वारंटी वाली सेल बडी पे इनको 35,000 की मिल रही है, और एप्पल वारंटी वाली 42,500 की मिल रही है। और ऑफिशियल एप्पल स्टोर में जो एप्पल वॉच सीरीज ऐसी है, वॉच ऐसी है, वो 44mm वाली सेलुलर वाली 36,900 में मिल रही है। तो कौन सी लेना चाहिए, वेंडर वारंटी एप्पल वारंटी में फ़र्क क्या होता है और इतना डिफरेंस क्यों होता है, और सेल बडी पर ट्रस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सभी चीज़ों का आंसर देता हूँ। एप्पल वॉच SE और Apple Watch Series 6 में Series 6 जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है SE के मुकाबले। अगर आप जो Series 6 की बात कर रहे हो, ये सेलुलर वाली है, तो वो एक बेटर डील है SE के मुकाबले। अब आपको सेल बडी से लेना है, कहाँ से लेना है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ट्रस्ट वर्दी है या नहीं वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब वेंडर वारंटी और एप्पल वारंटी में फ़र्क क्या है, वेंडर मतलब दुकानदार यानी कि सेल बडी खुद, तो वो अपनी खुद की वारंटी देगा। कल को आपकी वॉच में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको सेल बडी स्टोर विजिट करना पड़ेगा या फिर उनको कुरियर करना पड़ेगा अपनी वॉच को, तो वहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट देंगे या रिपेयर करके देंगे, जो भी होगा। लेकिन एप्पल वारंटी अगर आप घड़ी लेते हो, चाहे सेल बडी से लो, चाहे ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, कहीं से भी, आप जो है उसको इंडिया के किसी भी एप्पल स्टोर के अंदर जाके रिपेयर करवा सकते हो, रिप्लेस करवा सकते हो, अगर आपके एप्पल वॉच के अंदर खराबी आती है। तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि वेंडर वारंटी के ऊपर एप्पल वारंटी जो है वो बहुत बेहतर है। और मैं अगर आपकी जगह हूँ और
2,000-4,000 रुपये मुझे ज़्यादा भी देने हैं, 5,000 रुपये भी ज़्यादा देने हैं, तो मैं एप्पल वारंटी के लिए जाऊँगा, वेंडर वारंटी के लिए नहीं। लेकिन ये अपनी अपनी चॉइस होती है और अपने अपने बजट के हिसाब से इंसान जो है डिसीजन लेता है। ऐसा नहीं कि मैं अगर एप्पल वारंटी ले सकता हूँ तो हर कोई ले सकता है, ऐसा नहीं है। हर कोई अपने बजट के हिसाब से जो अफोर्ड कर सकता है उसके मुताबिक कदम लेता है। अब आपका जो आखिरी क्वेश्चन है, क्या सेल बड़ी ट्रस्टवर्दी है या नहीं, उनसे ले सकते या नहीं ले सकते। देखो मैं इतना बोलता हूँ आपको, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, सेल बड़ी है और कोई भी जितने भी स्टोर है, जो कुछ मैंने कभी रेकमेंड किया है वो आपका पैसा खाकर जो है भागेंगे नहीं। अगर आप उनको पैसा देते हो और बोलते हो प्रोडक्ट शिप करने के लिए, तो पैसा खाकर आपका नहीं भागेंगे। अब लेकिन वो प्रोडक्ट शिपमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ होती है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ फॉल्ट निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, कुछ उसमें बीमारी आती है, कोई भी इशू आता है, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता हूँ। उसका जिम्मेदार जो है जो वेंडर होता है, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, सेल बड़ी हो, वही हो सकता है। अभी कितने लोगों ने अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से जो है फ़ोन मंगाया तो उसके अंदर साबुन निकला, फ्लिपकार्ट के अंदर एक आईफोन के अंदर साबुन निकला, तो अब ये फ्लिपकार्ट की गलती बोलो या उनके कोई कुरियर बॉय की गलती बोलो, उन्होंने उनको रिप्लेस करके दिया। तो इस टाइप का कोई हादसा अगर आपके साथ होता है तो मैं उसके बारे में तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में चीज़ें होती है, फ्रॉड, झूठ, फरेब, ये चीज़ होती है, लेकिन पैसा लेकर आपका जो है वो भागेंगे नहीं, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सैयद का, ये बोलते हैं मैं बांग्लादेश से हूँ, हम लोग आपका वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी ऑफर हम लोगों के लिए नहीं आप बताते, ऐसा क्यों है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, हमारे लिए हेल्पफुल होगा, थैंक यू सो मच। देखो मेरे भाई, थैंक यू सो मच, आप बांग्लादेश से देखते हो, जो लोग नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, यूएस, यूके, गल्फ, इंडिया, हर जगह से देखे जाते हैं, हमारा इंडियन चैनल रहने के बावजूद दूसरे कंट्रीज़ वाले भी देखते, प्यार देते हो, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन। लेकिन अभी होता क्या है, जो ये ऑफर्स हम लोग बताते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सर्विसेज जो है इंडिया के बाहर नहीं देते हैं। आप लोगों के लिए कौन सा चीज़ हेल्पफुल हो सकती है, एक तो ये चीज़ कि जो मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ बैटरी हेल्थ और ये सब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। दूसरा, जो मैं दुबई से रिलेटेड अगर कभी वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में क्या प्राइसिंग है, दुबई में आप कहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इंडिया से परचेस करना या इंडियन ऑफर्स जो है आप लोगों के लिए इतने हेल्पफुल नहीं हो सकते, वो अलग बात है कि अभी आप इंडिया घूमने आए और आपने खरीद लिया, देन दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे आपके कंट्री के लिए स्पेसिफिक में ऑफर तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को देखते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सैफुल्ला का, ये बोलते हैं कि मेरे आईफोन के अंदर वाईफाई की जगह wlan लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों, इसमें क्या फर्क है। देखो wlan भी वाईफाई होता है, वाईफाई और wlan में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स है जैसे चाइना वगैरह, वहाँ के आईफोन्स में वाईफाई की जगह wlan लिखा आता है, और कभी कभी आपके आईफोन की जो लैंग्वेज अपने सेट करके रखी है और रीजन जो सेट करके रखा है उस पर भी ये डिपेंड करता है, उसमें फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, wlan एंड वाईफाई इज वन एंड द सेम थिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुब्रजत मलिक का, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, कमेंट, और चाहते मैं आप लोगों को दिखाऊं। इन्होंने मुझे पहले एयरपॉड्स की वारंटी के बारे में पूछा था, क्या इशू था एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट फ्लिपकार्ट से इन्होंने लिया था, कुछ वारंटी में इशू आया था, वारंटी गलत बता रही थी, तो इनको मैंने बोला था कि आप एप्पल सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करो, आपकी वारंटी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देंगे, लेकिन इनको बाद में पता चला या उस टाइम पता था, आई डोंट नो, कि वहाँ पे जो बिल पे जो सीरियल नंबर दिया है एयरपॉड्स का और जो एयरपॉड्स के ऊपर प्रिंटेड है, दोनों में फर्क था, तो एप्पल सपोर्ट ने बोला कि फ्लिपकार्ट से कॉन्टैक्ट करो, फ्लिपकार्ट ने इनको जो है रिप्लेसमेंट दिया और अब इनको वारंटी भी मिली और 5 महीना वारंटी बढ़ के मिली है, तो ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ये कमेंट बताऊं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप में से बहुत लोग डर जाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा लिया, अमेजोन से मंगा लिया, ऑब्वियसली ऑफलाइन स्टोर से लेना जो है एक टाइप से बेहतर होता है कि वहीं का वहीं आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है, कि आपने ऑफलाइन गए, आप आईसेन स्टोर में गए और आपने एप्पल ऑथराइज रीसेलर है वो, तो वहां से आपने एयरपॉड्स लिए, आपने देखा कुछ इशू आ रहा है, उनके पास गए, इमीडिएट आपको चेंज करके मिल जाता है। ऑनलाइन लेने में क्या होता है, ऑनलाइन में आपको प्राइजेस कम मिलते हैं, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं भी प्रेफर करूंगा ऑनलाइन लेना क्योंकि प्राइजेस जो है वहां पे कम मिलते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हैसल हो सकता है, लेकिन गलत चीज़ आपको नहीं आएगी। जैसे फ्लिपकार्ट से इन्होंने मंगाया तो वहां पे थोड़ा सीरियल नंबर मिसप्रिंट हो गया, अब ये चीज़ स्टोर में भी हो सकती है, आईसेंस में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो लोग जो है आपको रेजोल्यूशन वन ऑन वन फेस टू फेस करके दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन का मैटर है और बहुत बड़े स्केल पे फ्लिपकार्ट अमेजोन काम करते हैं, तो आपको इनके कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है और वहां पे वो आपको रेजोल्यूशन देते ही देते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि रेजोल्यूशन आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपको थोड़ी उसके लिए जो है कॉल वगैरह मेहनत मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको फुल सपोर्ट मिला क्योंकि वारंटी वाली पीस, आपने वारंटी वाला प्रोडक्ट लिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देवदास का, ये बोलते नए मैकबुक्स में से टच बार क्यों रिमूव कर दिया और ये जो मैक सेफ है दोबारा क्यों आ गया, क्या टाइप सी पोर्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं चार्जिंग के लिए, और तीसरा सवाल ये है कि आपका क्या कहना है इन मैकबुक्स के बारे में और कौन सा रेकमेंड करेंगे, क्योंकि बहुत ओवर प्राइस लग रहे हैं 13 इंच से मगर 128 जैसे और अच्छे अच्छे फीचर्स भी है, तो कौन सा रेकमेंड करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो है कि टच बार क्यों रिमूव किया, क्योंकि बहुत लोग रोते रहते थे भाई टच बार हमको पसंद नहीं है, टच बार पसंद नहीं है, तो लेकिन मुझे बहुत पसंद था, लेकिन जब अब मासेस है जो ज़्यादा लोग है, ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ पीपल है, वो लोग बोल रहे कि टच बार हमको पसंद नहीं है, तो फीडबैक के हिसाब से वहाँ पर टच बार रिमूव कर दिया गया। सेकेंड चीज़ है यहाँ पे मैक सेफ चार्जिंग बोर्ड दोबारा क्यों लेकर आए, क्योंकि वहाँ पे
एक सेफ्टी फीचर ऐड हो जाता है मैक सेफ की वजह से, कि कभी किसी की लात लग जाए या आप कभी जो है वायर के ऊपर आपका पैर लग जाए चलते चलते, तो आपका जो है मैकबुक ज़मीन पे नहीं गिरेगा। रही बात यूएसबी टाइप सी पोर्ट की, तो उसके जरिए भी आप चार्जिंग कर सकते हो, और टाइप सी चार्जर या केबल आपके पास है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैक सेफ चार्जिंग केबल दिया है उसमें जो चार्जर है वो टाइप सी वाला ही है, टाइप सी आउटपुट वाला। तो आपके पास अगर टाइप सी वाली कोई भी केबल है रेगुलर वाली तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अलग से पूरा चार्जर लेने की जरूरत नहीं है। रही तीसरी बात कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लग रहे, देखो मेरे भाई मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, पहले भी मैं एक वीडियो में बोल चुका कि ओवर प्राइस्ड उन लोगों के लिए है जो लोगों को उसका कोई काम नहीं होता। जैसे मेरा काम है मैकबुक के ऊपर ही, अगर मैं एडिट करूंगा वीडियो, एडिट करके डालूंगा तो मैं इसे पैसा कमाऊंगा और इन पैसों से मैं जो है ये सारे प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकता हूं। तो अगर मेरे पास स्लो मशीन रहेगी, ऐसी मशीन रहेगी जो मैं 50,000 में ले लूँ लेकिन मेरा काम जो है उसमें स्लो हो रहा है, एक दिन लग रहा है या दो तीन घंटे लग रहे हैं, जो काम मेरा आधे घंटे में हो सकता है, तो मेरे लिए वो नुकसान वाली चीज़ है। इसलिए मैं जो है, क्योंकि मुझे वो काम है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बात पैसे की नहीं, पैसे बहुत लोग के पास होते हैं वो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, काम है या नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर काम है नए मैकबुक्स का, देन यू शुड थिंक अबाउट, क्योंकि 128 का रिफ्रेश रेट तो है लेकिन गेमिंग क्या आप कर सकते हो मैक पे, नहीं जो विंडोज पे कर सकते हो। तो यहाँ पे गेमिंग वाला फैक्टर नहीं है, यहाँ पे जो प्रोफेशनल यूज है आपका अगर मैकबुक्स का तो आपको उसके लिए जाना चाहिए, 3 लाख वाला मॉडल लो या 2 लाख वाला मॉडल लो। अदरवाइज अगर उतना ज़्यादा हाई एंड प्रोफेशनल लेवल वर्क नहीं है या उतना हैवी टास्क आपको नहीं करना है तो मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो 13 इंच का आज भी मिल रहा है, एप्पल उसको ऑफिशियली सेल कर रहा है, प्रोडक्शन में है, उसको जाके लो, उससे बेहतर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। 10-10 घंटे की बैटरी लाइफ देते हैं ये मैक्स, और क्या चाहिए आपको। और लास्ट में आपने एक चीज़ पूछी कि आप कौन सा रेकमेंड करेंगे, तो मैं जो नए मैक्स है उसका बेस मॉडल रेकमेंड करूंगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें भी बहुत अच्छी दी है एप्पल ने। जैसे इन मैक्स के अंदर 13 इंच वाले एयर और प्रो के अंदर 8 GB का रैम आता, तो वहाँ पे सीधा डबल हो गया 16 GB का रैम। आप उसको ऐसे ऐड करने जाओगे तो 10-20 हज़ार रुपये ऐसे ऐड हो जाते हैं, प्लस उसमें SSD भी डबल दिया है, उसके 20,000 पकड़ लो। तो ऐसा अगर डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, तो मैं रेकमेंड करूंगा जो उसका बेस मॉडल है, क्योंकि इट इज़ क्वाइट वेल स्पेक्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्रीनाथ का, ये बोलते हैं कि मुझे किया कार्निवल और MG ग्लॉस्टर के बीच में सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मुझे फॉर्च्यूनर तो पसंद है लेकिन उसमें फीचर्स जो है उतने नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे। देखो मेरे भाई आपको एक बात सिंपल सी बताता हूँ, पहली बात तो किया कार्निवल और MG ग्लॉस्टर ये दोनों अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं। MG ग्लॉस्टर SUV टाइप की बॉडी में आती है और किया कार्निवल जो है ये पीपल मूवर या वैन या इनोवा टाइप की जो गाड़ी MPV होती है उस टाइप की आती है। अब किया कार्निवल में जो कंफर्ट आपको मिलेगा वो ग्लॉस्टर में फॉर्च्यूनर में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और ग्लॉस्टर में भी जो कंफर्ट मिलेगा आपको फॉर्च्यूनर में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सस्पेंशन वगैरह फॉर्च्यूनर का थोड़ा हार्ड रहता है। लेकिन फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी है कि आपको वहाँ पे मिलती है टोयोटा की रिलायबिलिटी, आपको लो सर्विस कॉस्ट मिलेगा जिसमें आपको ग्लॉस्टर से आधे से भी कम कीमत में फॉर्च्यूनर सर्विस हो जाएगी, उसका इंजन गेयरबॉक्स भी ज़बरदस्त है, ड्राइविंग का आपको प्लेजर आएगा, और फॉर्च्यूनर इतनी स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू के साथ है कि कई सालों के बाद आप बेचेंगे जो कि आप शायद ना बेचे लेने के बाद फॉर्च्यूनर, आपको जो है काफ़ी अच्छा रीसेल वैल्यू भी आ जाएगा और उसकी जो इमेज है वो भी नेक्स्ट लेवल की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फीचर्स है, ये जो छोटे छोटे फीचर्स आए हैं खास करके जो कोरियन गाड़ियों में या फिर चाइनीज़ गाड़ियों में, जैसे MG में आप भी बोलेंगे कि MG जो ब्रिटिश है ऐसा नहीं है, आप लोग थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करो तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट है उनका। तो ये जो फीचर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ड्राइविंग का प्लेजर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे आपको जो है डिसीजन लेना चाहिए। और किया कार्निवल और MG ग्लॉस्टर इन दोनों की इमेज में भी बहुत ज़्यादा फर्क है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कौन सी इमेज के साथ जाना है, कितने लोग बिठाने हैं, किस टाइप के आप जो है डिमांड सकते हैं अपने गाड़ी के साथ, उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रैपिड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन का, इन्होंने एक 13 प्रो मैक्स जो है बुक किया था एप्ट्रॉनिक स्टोर से जो कि एप्पल का ऑथराइज रीसेलर है, लेकिन 1 अक्टूबर को बुक किया अभी तक मिला नहीं, और 12 प्रो मैक्स इन्होंने इनका बेच दिया क्योंकि अच्छा प्राइस इसका मिल रहा था। अभी 15 दिन इन्होंने बोला था लेकिन अभी तक जो है इन्होंने इसकी डिलीवरी नहीं दी, तो ऐसा क्यों? देखो चिप शॉर्टेज की वजह से जो है नए आईफोन जो 13 सीरीज़ है वो क्योंकि अभी नया नया प्रोडक्शन उनका शुरू हुआ है तो उसका जो प्रोडक्शन है उसमें डीले आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने खरीदा है तो वहाँ पे शॉर्टेज होगी। आईफोन्स कितने बिकते आपको पता ही वर्ल्ड ओवर, तो इसलिए जो है शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से आईफोन 13 सीरीज मिलना भी मुश्किल होगा। जिन्होंने नए नए में ले लिया था, जैसे मैंने ले लिया तो मुझे ईजिली मिल गया, लेकिन आप लोगों को जो है मुश्किल पेश आ सकती है। तो अभी आपने अगर बेच ही दिया है अपना फ़ोन थोड़ा जस्ट थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा पाने के लिए, तो हो सकता है आपको दूसरे फ़ोन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपके पास अगर होगा तो आप जो है उससे अभी काम चला लीजिए, या फिर आप कोई दूसरे स्टोर में चेकआउट कीजिए, क्योंकि आप ये बुकिंग जो है कैंसिल भी कर सकती है। उन्होंने प्रॉमिस डिलीवरी डेट पर दिया नहीं आपको फ़ोन, तो आप फुल रिफंड मांग सकते हो उनसे, और जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ से आप ये चीज़ ले सकते हो। दूसरे भी जो स्टोर्स है, आइसेंस हो गया, फिर दूसरे जो है यूनिकॉर्न वगैरह हो गया, उनसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको रेडी डिलीवरी मिल रही है वहाँ से आप लीजिए, लेकिन किसी को भी ऑन मत देना। बहुत सारे एप्पल स्टोर्स ऐसे भी है, एप्पल के ऑथराइज स्टोर्स, जो ऊपर पैसा मांगते हैं, यानी कि फ़ोन 1.5 लाख का है तो बोले कि 1.60 हमको दे दो, ये काम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट करेंगे आप भी और अपना पैसा भी ज़ाया करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हीतू का, हीतू बोलते हैं क्या गोल्ड सिल्वर प्लेटिंग वगैरह कराते लोग आईफोन के ऊपर,
बैक कवर की जगह पे यानी कि चिपका देते पूरा, तो वो चीज़ जो है इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत ज़्यादा फेमस है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स है। और मैं जो है अपने फ़ोन को हार्म नहीं करना चाहता, लेकिन कि ये क्या सेफ है या नहीं, तो मेरे हिसाब से सेफ नहीं है। आप मत करो छेड़छाड़ अपने फ़ोन के बॉडी स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि उसमें भी वारंटी भी लैप्स हो जाती है, वायरलेस चार्जिंग चली जाती है, और उसके बाद जो है आपकी वाटर प्रूफिंग वगैरह चली जाती है। हाँ, एक छोटा सा पतला सा प्लेट अगर कोई चिपकाता होगा पीछे उसकी बात करें आप, तो वो इतना कोई हार्मफुल नहीं है। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत हीटिंग का इशू आए आपके फ़ोन में, लेकिन वो इतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर आप फुल उसका केसिंग वगैरह चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उतनी जो है उसकी फंक्शनलिटी भी कम हो जाती है। और फिर आजकल सभी के हाथ में वही रोलेक्स एडिशन और वही जो है पीछे गोल्ड का वाला फ़ोन है, जो मुझे इतना कोई खास लगता नहीं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसकी, आपको पसंद आप कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि जो स्टॉक फॉर्म में आपका फोन है उसको इस्तेमाल करो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रवि का, बोलते हैं आईफोन के अंदर सिर्फ यूट्यूब जो प्रीमियम अकाउंट होल्डर्स है उनको ही वो PIP मोड मिल जाता है, जिसके अंदर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बाकी इसमें क्यों नहीं मिलता स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन? तो वो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ PIP मोड ही है, पिक्चर इन पिक्चर मोड, और वही चलता है, आईफोन में स्प्लिट स्क्रीन नहीं है। उसके लिए आप कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते, लेकिन उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं आएगा। एप्पल चाहता है कि उनके आईपैड्स में जो है आप मल्टीटास्किंग करें, आईफोन्स में नहीं। मे बी इसके लिए जो है वो लोग देते नहीं स्प्लिट स्क्रीन। और सेकंड चीज़ है कि कंट्रोल सेंटर से वाईफाई और ब्लूटूथ ऑफ करते तो बाद में वो खुद बखुद ऑन हो जाता है, प्रॉपर्ली ऑफ क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डिस्कनेक्शन का ऑप्शन है, ऑफ करने का ऑप्शन नहीं। आप सेटिंग में जाके ऑफ कर सकते हैं, या फिर एक शॉर्टकट बना के रख सकते हैं आप अपने होम स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे क्लिक करके आप परमानेंटली उसको ऑफ कर सकते हैं, जब तक कि आप खुद से उसको जाके ऑन नहीं करें। और उसके बाद ये बोलते हैं लाइटनिंग पोर्ट के बाद दो स्क्रू क्यों होते हैं एंड्रॉइड फोन में? देखो भाई, हर एक मैन्युफैक्चर रहता है उसका अलग कुछ ना कुछ डिज़ाइन रहता है। अब वहाँ पे स्क्रू क्यों लगाया, यहाँ पे स्क्रू क्यों लगाया, उसके डिटेल्स में हम नहीं जा सकते। उसका जो स्ट्रक्चर होता है फोन का अंदर का, उसके मुताबिक वहाँ पे स्क्रू वगैरह दिए जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे स्क्रू है और अच्छे ही दिखते हैं वो स्क्रू, कोई इशू नहीं है। और ये बोलते हैं कि मेरे पास आईफोन 6s है, उसमें लेटेस्ट iOS का अपडेट आया है, पर डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं हो रहा, ग्रे बटन आ रहा है, मैं क्या करूँ? मेक श्योर कि आपका आईफोन जो है फुल्ली चार्ज्ड है, आपका आईफोन वाईफाई से कनेक्टेड है, अगर फिर भी वहाँ पे ग्रे आ रहा है, प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो जाइए सेटिंग्स के अंदर और वहाँ पे अपने आईफोन स्टोरेज में वो अपडेट जो है उसको डिलीट कर दो और फिर से जो है रीइंस्टॉल करो, फिर जो है हो जाना चाहिए। कभी कभी करप्ट भी हो जाती है फाइल डाउनलोड होने के टाइम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज का, ये बताया मैंने फ्लिपकार्ट से आईफोन 12 लिया था, जिसको मैंने 60,000 रुपये में खरीदा और 4,000 रुपये जो है उसका इंटरेस्ट भी लगाए 9 मंथ का किस्तों में, तो क्या मैंने सही किया? मेरे हिसाब से आपने बहुत गलत किया है। मैं कभी भी इंटरेस्ट देने लेने के फेवर में नहीं हूँ, मैं इसको बहुत ही गलत समझता हूँ। जब हम इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं तो थोड़े दिन और पैसा कमा कर उसको जमा कर भी अपनी मनपसंद की चीज़ ले सकते, इंटरेस्ट पर लेना जो है मुझे सही नहीं लगता है। बाकी आपकी मर्जी है, 4,000 रुपये आपने मुझे ऐसा लगता है ज़ाया कर दिए जस्ट बिकॉज आपको किस्तों में वो प्रोडक्ट जो है खरीदना था। उससे बेहतर आपके पास जितना पैसा था उसके मुताबिक आप प्रोडक्ट लेते हो, ज़्यादा बेहतर रहता है। ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी चॉइस है, मैं किसी पे इसको फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है। अगला क्वेश्चन है संचित का, बोलते दूसरा चैनल बनाया नवील नवाब टॉक्स, लेकिन वीडियो डालते नहीं हो, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए मेरे भाई क्योंकि थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे इस चैनल पे एक दो वीडियोस रोज के आ रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे चैनल के लिए टाइम नहीं मिलता। फिर फैमिली लाइफ भी है, अपना दूसरा काम भी है, बिजनेस वगैरह का काम होता है, दुनिया में और भी काम होते हैं, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ करना, क्योंकि 1-to-1 टॉक्स आप लोगों से होती थी, तो जरूर उस चैनल को भी हम लोग रिवाइव करेंगे और वापस उस चैनल पर वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रितेश का, रितेश बोलते हैं कि मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं आईफोन 10 को 11 में कन्वर्ट करने के, तो कर है क्या कुछ परेशानी तो नहीं है कि? मेरे हिसाब से आप लोग मत करो, क्योंकि आईफोन 10R आईफोन 11 क्या है उसमें फर्क, पीछे सिर्फ कैमरा का फर्क है, बाकी सामने से तो सेम ही दिखता है। परफॉर्मेंस में आपको कोई भी इंक्रीज देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ जो है पीछे से आप उसको नकली सा आईफोन 11 बनाएंगे, तो अननेसेसरी ये सारी चीज़ों में पैसा जाया मत करो। वो पैसा आज सेव कर लो, कल जब आप फोन बेचेंगे तो उसमें लगा के कोई बेहतर फोन आप ले सकते हैं। हमारे इस क्यूएनए वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो है दोस्तों ये पूछा है अर्का पालदास ने, बोले आईफोन 13 को एक चाइनीज हैकर ने जो लेटेस्ट iOS पे था 15.0.2 उस पे हैक कर दिया है 15 सेकंड्स के अंदर 2 बार, तो क्या वर्थ है इतना एक्सपेंसिव डिवाइस लेना जबकि इतनी सारी कमजोरियां इसके अंदर होती है? प्लीज टेक दिस क्वेश्चन। तो यहां मैं बोलना चाहता हूं कि 15 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में उसने आईफोन 13 को जो हैक किया और वेबकिट एक्सप्लॉयटेशन के जरिए से किया सफारी के, तो इसलिए एप्पल जब भी सिक्योरिटी अपडेट्स लाता है तो आप वहां पे देखो जो नए अपडेट के अंदर लिखा रहता है कि कुछ जो हैकर्स है उन्होंने एक्सेस किया था, वेबकिट को एक्सप्लॉयट किया था, जिसकी वजह से हम अपडेट लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो इंटरनेट से जुड़ी है उसको हैक करना इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये है कि आईफोन को हैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है एंड्रॉइड्स के मुकाबले। अब 1 सेकंड में इन्होंने जो हैक किया, ये ऐसा नहीं कि पहली बार इनके हाथ में आईफोन आया और इन्होंने हैक किया, ये कॉम्पिटिशन होता है चाइना के अंदर जहाँ पे हैकर्स को बुलाया जाता है और एंड्रॉयड फोन्स और आईफोन्स और गूगल के पिक्सल वगैरह ये सभी फोन्स जो है वो लोग हैक करते हैं वहाँ पे, और जो भी सबसे फास्ट करता है उसको प्राइज मनी मिलता है। अब यहाँ पे आपका जो मेन सवाल ये है कि अगर इतना वल्नरेबल है ये आईफोन तो क्या इतना पैसा डालना सही है कि नहीं? मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि ओवरऑल जो सेफ्टी सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है वो एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। आपका आईफोन जो है इस टाइप का हैकर का हैक करना, उसके हाथ में आपका फ़ोन लगना या उसके हाथों आपके फ़ोन को हैक हो जाना, ये जो है
बहुत छोटा चांस है, लेकिन एंड्रॉयड फोन के अंदर ऐसा देखा गया है कि कोई व्हाट्सएप के जरिए कोई लिंक भी भेज देता है मलिशियस लिंक, तो वहाँ पे मैलवेयर इजीली इंस्टॉल हो जाता है और आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट को भी उससे खतरा हो सकता है। तो इस वजह से मेरी चॉइस तो इतना पैसा देने के बावजूद अगर ये हैक हो भी सकता है तो आईफोन ही रहेगी, क्योंकि ओवरऑल एक सेफ डिवाइस है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे क्यू एन ए। उम्मीद करता हूँ आपको संडे के दिन संडे क्यू एन ए देख के मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपके कमेंट्स है अगले संडे क्यू एन ए के लिए, वो नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।